खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर संकीर्ण पुलिया बारिश में हमेशा परेशानी का कारण बनती है। जहां मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित होता है, तो वहीं घंटों वाहनों की कतारें लगने से बूढ़े बच्चों के लिए बेहद तकलीफदायक समय होता है। मार्ग पर ज्यादातर पुलियाओं का काम पूर्ण होकर आवागमन शुरू हो चुका है, पर नगर की बोराड़ नदी की पुलिया का काम अभी भी अपूर्ण होकर बंद पड़ा है। जहां पुलिया का काम बंद है, वहीं पुरानी पुलिया पूरी तरह जर्जर हो गई है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार लोगों की जान तक गई है। गत वर्ष भी एक बाइक सवार की उक्त पुलिया पर बने गड्ढे में गिरने के कारण मौत हो गई थी। अभी एहतियातन तौर पर उक्त पुलिया की मरम्मत का कार्य जरूर चल रहा है, पर समीप बन रहा है नई पुलिया अभी भी अधूरी होकर उसका कार्य बंद पड़ा हुआ है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। पुल को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? ये सेगांव के बोराड़ नदी का जो पुल है, ये कई दिनों से बंद पड़ा है। फिर 2 महीने बाद तो बारिश लगने वाली है, आवागमन का साधन फिर यहाँ रुक जाएगा। अभी तक पुल का किसी का गवर्नमेंट का और शासन का कोई ध्यान ही नहीं है पुल के तरफ। आसपास के पुल बन गए क्या? आसपास के पुल बन गए ना, दिवाली बधानी और हटनी नदी के पुल चालू हो गए तीनों। सेगांव का पुल अभी तक अधूरा पड़ा है। क्या नाम लिखते हैं आप? अशोक बाबूजी सेगांव सीताराम। यहाँ सेगांव तहसील जिला खरगोन खंडवा बड़ौदा मार्ग पर यहाँ देवी श्री लाल भाई फूलभाई तीर्थ स्थली के पास में पुलिया का काम, पुल का काम मतलब कब से चल रहा है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसे पूर्ण नहीं कर सका। अब बारिश लग गई है, यहाँ बहुत लोगों को रुकना पड़ता है, तकलीफ होती है उनको भोजन प्रसादी वगैरह जो भी हम सब सहयोग बनता है करते हैं, और प्रशासन ध्यान दे के ये काम को बरसात के पहले तुरंत पूर्ण कराए। ये पुलिया जो है नीचे छोटी रपट जो बनी हुई है, ये भी बहुत खतरनाक है, यहाँ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं गाड़ी गिर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।